चलो पढ़ाई करें कुछ। गुड इवनिंग हार्दिक। सो लास्ट क्लास तक हम क्या क्या कर चुके थे जरा मुझे याद दिलाओ। सर एक डाउट था सर, सर सर हेलो, फ्रैक्शनल एरर तक कर लिया था भाई। तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो, मतलब मैंने तुम्हें, हेलो हाँ सर, परमिशन है तुम्हारे पास। हेलो सर, सर कोई कुछ बोल रहा है। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। सर एक डाउट था, अभी तो क्लास भी शुरू नहीं हुई, डाउट शुरू हो गए। हाँ बताओ। वो पेपर से मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप पे, आपने देखा नहीं? मैंने देखा नहीं गौरव, अभी पूछ लेना, डाउट ही डिस्कस करते हैं। 6:30 शुरू कर देंगे जो पूछना है, ठीक है? ओके सो लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर तक हम सब डिस्कस कर चुके थे। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग डॉल्जे। तो हम कहाँ तक कर चुके थे? फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, आंसर विद एरर लिमिट, ये सब हमने कर लिया था। जो लास्ट टॉपिक है, दैट लास्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये अगर आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो एरर कैसे कंबाइन होगा? आंसर विद एरर लिमिट था सर लास्ट तो। हाँ मतलब वही टाइप्स ऑफ एरर्स में ना, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में अब आपको ये सीखना है, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उन क्वांटिटीज में एरर कैसे कंबाइन होगा? जैसे मान लो तुम्हें एक क्वांटिटी ए गिवन है, क्वांटिटी में दो पार्ट्स होंगे, एक उस क्वांटिटी की मीन वैल्यू होगी, दूसरा एरर होगा। ये जो डेल्टा ए है ना, दिस डेल्टा ए इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस डेल्टा ए इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, कुछ लोग कहेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर की नोटेशन ये थी, यही नोटेशन है मीन एब्सोल्यूट एरर की। लेकिन एनसीईआरटी ने कहीं भी मीन एब्सोल्यूट एरर पर बार नहीं लगाया। तो अगर वो ऐसे लिख रहा ना, ए एम प्लस माइनस डेल्टा है, दैट मींस इट्स मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज क्वांटिटी बी, बी में भी दो पार्ट्स होंगे, एक मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन बी। सर ए एम क्या है? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ए एम इज मीन वैल्यू ऑफ ए, mean value of A. BM जो आ रहा है, that BM is mean value of B. B की जो mean value है, that mean value is B. और उसमें जो error आएगा, A में error delta A है, और इसमें जितने भी आपको combinations कराऊंगा, addition, subtraction, multiplication, division, सब में ये चीजें common होंगी। Delta A is mean absolute error in A, delta B is mean absolute error in B. ये सब आपको दिया हुआ है। आपको सीखना ये है कि जब ये add करेंगे A और B, जब A और B को आप subtract करोगे, multiply करोगे, divide करोगे, तो error कैसे combine होगा। यहां तक सबको याद आ गया? युवराज, यश, सोनम, मानस, यहां तक सब याद आ गया कि ये ए ए और बी वैल्यूज थी, ए एम बी एम मीन वैल्यूज थी, डेल्टा ए डेल्टा बी। नहीं हर्षित, ये बैकअप नहीं है, रेगुलर क्लास है, टीटीएस रेगुलर क्लास होती है। बैकअप फिजिक्स का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है। नहीं ये तो मैं किसी और को स्कूल एग्जाम्स के लिए करा रहा था, तब आपने गलती से कर लिया था। मैं बता रहा था इसको मैं क्लास में रिपीट करूंगा। तो आपको सीखना ये कि जब आप क्वांटिटीज को ऐड करोगे,
और आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे कंबाइन होगा? अगर आपने क्वांटिटीज ऐड कर दी, इट्स ए प्लस बी, ए और बी को आपने ऐड कर दिया, तो एरर कैसे कंबाइन होगा? ए को आप लिख सकते हैं इट्स मीन वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस एरर इन ए, प्लस बी को आप ऐसे लिख दो मीन वैल्यू ऑफ बी प्लस माइनस एरर इन बी. तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एम और बी एम को अलग ऐड कर दीजिए, इसे पूरा ओपन कर देते हैं, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी. तो देखो ये ए एम और बी एम मीन वैल्यू से इन्हें अलग लिख देते हैं, तो ये आ गया ए की मीन वैल्यू प्लस बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. प्लस माइनस कॉमन ले जाओ, तो ये आ गया ए एम प्लस बी एम, प्लस माइनस आपने कॉमन ले लिया, इट्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो आप जब दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो मीन वैल्यूज अलग ऐड होंगी, मीन एब्सोल्यूट एरर अलग ऐड होगा. इसी तरह से अगर आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर, ये तो एडिशन में था, अगर आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाते हो, आप कर रहे हो ए माइनस बी मीन्स ए एम प्लस माइनस एरर इन ए माइनस बी एम प्लस माइनस एरर इन बी. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए एम में से बी एम आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बच गया प्लस माइनस डेल्टा ए. यार रुको यार, सारे स्टेप्स लिखने दो, कुछ परेशान हो जाएंगे. इट्स ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी एम माइनस प्लस डेल्टा बी. जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे ए माइनस बी, तो देखो मीन वैल्यूज इसको और इससे मैं अलग कंबाइन कर रहा हूं, ए की मीन वैल्यू माइनस बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. तो देखो यहां पर इन दोनों में कई कॉम्बिनेशंस होंगे, प्लस के साथ प्लस आ सकता है, माइनस के साथ माइनस आ सकता है, प्लस के साथ माइनस आ सकता है. हमें वो कॉम्बिनेशन लेना है जहां एरर मैक्सिमम, तो एरर तब मैक्सिमम होगा जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे. तो इसे हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी, ए की मीन वैल्यू माइनस बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस ए में एरर और फिर बी में एरर. तो अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो या आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड करोगे तो मीन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, मीन एब्सोल्यूट एरर भी ऐड होगा. अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्वांटिटीज इसको, अगर तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो मीन वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट होंगी बट एरर हमेशा ऐड होगा. दिमाग में ये चीज बिठा लो कि एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है. सो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन करता है. ये है फाइनल रिजल्ट. बहुत कम स्कूल्स होंगे जहां डेरिवेशंस लेकर चलेंगे. तो अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हो, जब भी आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन होगा. डाउट्स बताओ मुझे. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, इसमें भी दोनों में यही है ना, आखिरी में जो लास्ट स्टेप है उसमें डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. हाँ ये ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस ए कॉमन ले लिया, सो दैट्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. यहाँ पर नहीं है, यहाँ देखो ढंग से, उधर प्लस माइनस बी है, माइनस प्लस बी है, तो कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. हमें वो कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसके लिए एरर मैक्सिमम हो. जानबूझकर लिखा है ना आपने, यहां पे जानबूझकर सर आपने ये प्लस माइनस और माइनस प्लस जानबूझकर लिखा है ना?
नहीं नहीं देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये देखो देखो इस माइनस से जब मैं इस प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा, जब माइनस से मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो हर्षित यहाँ पर कई कॉम्बिनेशंस होंगे, प्लस ए माइनस डेल्टा बी, प्लस ए प्लस डेल्टा बी, माइनस ए माइनस डेल्टा बी, माइनस ए प्लस, तो उसमें से वो कॉम्बिनेशन पिक करना है जिसके लिए एरर मैक्सिमम हो। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम कब आएगा जब ये ऐड होंगे, तो इन्हें ऐड कर दिया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हर्षित क्लियर हुआ? Yes, हर्षित मनस्मिन लेट क्यों है? यस सॉरी सर। हाय मन बोलो। सर एक डाउट था कि एक ओसाइनिक टर्म था मैक्सिमम परमिसिबल एरर। हाँ वो क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। वही तो हम ले रहे हैं, देखो हम एरर जो ले रहे हैं ना, ए में एरर कितना है डेल्टा ए, बी में एरर कितना है डेल्टा बी, जब कंबाइन करेंगे तो देखो यही चीज तो इतनी देर से बता रहा हूँ, कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी भी हो सकता है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी हो सकता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी हो सकता है। मुझे बताओ एमन इनमें से किस कॉम्बिनेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी? एडिशन में होगी। एडिशन में होगी, सो दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, इसीलिए हम मैक्सिमम एरर ले रहे हैं। दूसरी चीज एक और थी, मेरा फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, उसमें बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर की वजह से डाइमेंशंस में कैपिटल लिखना मैं भूल गई थी एक लेटर, उसके साथ मार्क्स कटेंगे वैसे? नहीं। सोमिया सर एट द लास्ट जो आपने बॉक्स बनाया है वो कंसिडर करना होगा, ये वाला बॉक्स। हाँ सोमिया बेटर होगा इसे ले लो ताकि अलग अलग चीजें दिख रही हो। ये वाला बॉक्स की बात कर रही हो, ये वाले बॉक्स की बात कर रही हो? सोमिया इस ये वाला बॉक्स हाँ कंसिडर करना होगा, जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं ये कंसिडर करना होगा, ये वाला नहीं, ये जो ब्रैकेट से ये कंसिडर करने होगा। दिव्यांशी, भूमि, जानवी, सोनम, युवराज? यस सर। डाउट्स? नो डाउट सर। बच्चे बहुत समझदार होगा। अरे मैत्री कहाँ है? मैत्री छुट्टी पर है आज, या मनस्मिन से ज्यादा लड़ाई हो गई? चलो जी इसे रब करते हैं। नहीं सर लड़ाई नहीं हुई अभी, हम लोगों ने एकदम आज फ्रेंडशिप भी कर ली। अच्छा लड़ाई नहीं हुई है इसलिए नहीं आए वो। यस यस युवराज। सो व्हेन वी से दैट ए इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ ए प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, सो मीन ऑफ ए वुड मीन दैट ए हैज मेनी टर्म्स इंक्लूडेड इन इट, दैट्स व्हाई वी टेक आउट द मीन। राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ए? A is like, let's say I'm measuring length. Huh? Length की mean value आती है. Mean value is, याद है हमने last जो class में? So we took around 3 values for length and then we, 3 or 4 values for length and then we took out the mean of them. Mean. So this AM is that mean value. The mean of the 4 values or 3 values. This delta A is the mean absolute error. But sir, mean, if we add the mean absolute error to the mean, so how would it make A? Like what is A? Okay. Exactly. It's okay. But ये सब सुन लो। जब हमने last में किया था ना, मैंने आपको एक last कराया था answer with error limit. Last में जब कराया था answer with error limit. तो answer with error limit में ना लिखते हैं मीन वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.2 व्हिच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब यह है कि आपने कोई क्वांटिटी मेजर करी, मीन वैल्यू आ गई 3 मीटर, आपने मीन एब्सोल्यूट एरर मेजर किया ये आ गया 0.2 मीटर, तो आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो 3 माइनस 0.2 से लेकर 3 प्लस 0.2 के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है। जब आप लिखते हो ना 3 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब है आपकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 3 माइनस 0.2 दैट मींस 2.8 से लेकर 3 प्लस 0.2 दैट मींस 3.2 तक कहीं भी लाई कर सकती है।
ए इनके बीच का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें पता है मीन वैल्यू और कितना ऊपर नीचे जा सकता है. तो हर क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाता है कि उसकी मीन वैल्यू और परमिसिबल एरर कितना आ सकता है, 2-3%. इसे कहते हैं आंसर विद एरर लिमिट. तो सर ए इज नॉट अ कांस्टेंट. हां, ए इज नॉट अ कांस्टेंट. थैंक यू सर. हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा था जिसका आंसर आप लोग बताएंगे. जरा क्लास की शुरुआत आप लोगों से होगी. आपको गिवन है लेंथ, है लेंथ गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है यार तुम्हें. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डेसिमल प्लेसेस. गौरव डेसिमल प्लेसेस कह रहे हो? 3 ± 0.3 meter. हाँ, उतना ही हम सेट करेंगे, उतना ही रखेंगे. 2 ± 0.2 meter. लेंथ ऑफ ब्रेथ में ये तुम्हें डेसिमल प्लेस गिवन है. लेंथ में गिवन है 3 ± 0.3, ब्रेथ में गिवन है 2 ± 0.2. वो तुमसे कहता है कि लेंथ में ब्रेथ ऐड कर दो. तो जब तुम लेंथ में ब्रेथ ऐड करोगे तो देखो मीन वैल्यूज अलग ऐड हो जाएंगे, एरर अलग ऐड हो जाएगा. सो ये सिंपली होगा 3 + 2 ± एरर अलग ऐड कर दिया 0.3 + 0.2. तो जब आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड करोगे सो दैट इज 5 ± 0.5 meter. इसी तरह से जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे लेंथ माइनस ब्रेथ, तो जब तुम इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 2 प्लस माइनस. इसमें से ये सब एरर हर हाल में ऐड होगा, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सो एल माइनस बी विल बी 1 ± 0.5 meter. डाउट्स बताओ यहां मुझे, क्या क्या डाउट्स हैं? मनस्विन सर, एक डाउट था सर. हाँ बताओ सर. लेकिन आपने जहाँ पे लास्ट में लिखा था ब्रैकेट डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा भी लिखा था सर, तो सर लेकिन हमने तो इसमें सिर्फ प्लस करे 0.3 + 0.2. अरे वहाँ मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया था ना, प्लस माइनस ऐसे लिखा था, प्लस माइनस लास्ट स्टेटमेंट लिखा था प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस बाहर ले गए. अच्छा, और सर उसमें जो होता है ए माइनस बी में डेल्टा ए प्लस डेल्टा भी रहेगा उसमें भी सर, सिर्फ एरर हमेशा ऐड होगा. मैक्सिमम एरर लेते हैं. यस युवराज सर, सपोज हमारी जो फर्स्ट मेजरमेंट थी उसमें हमारा एरर कुछ आया, लेकिन जो हमारी सेकंड मेजरमेंट थी वो एक्चुअल मेजरमेंट से थोड़ी छोटी थी, तो उस चक्कर में सर वो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे एरर, तो वो तो माइनस ही हो गया. एरर कैसे कैंसिल होगा? तो लाइक हमारी जो एक्चुअल लेंथ है अगर हमने मेजर किया सपोज 0.2 एक्स्ट्रा है, एंड दूसरी बार जब हमने किसी और चीज को मेजर किया तो उसकी 0.2 कम आई उससे, तो लेकिन जब हम उसे ऐड करेंगे तो वो दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, तो माइनस ही हो जाएगा. वो जो 0.2 आया वो 0.2 तो एब्सोल्यूट एरर हुआ ना. एक बार प्लस 0.2 आया युवराज, एक बार माइनस 0.2 आया, वो एब्सोल्यूट आया. हम यहाँ एब्सोल्यूट एरर तो काउंट ही नहीं कर रहे, हम तो मीन एब्सोल्यूट एरर काउंट कर रहे हैं. उन सारे एरर्स का मीन लेना होगा, प्लस 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2. सारे पॉजिटिव हो जाते हैं. हाँ, इसमें सारे पॉजिटिव, वो वाला है मीन एब्सोल्यूट एरर. थैंक यू सर. मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एरर्स को हम डील ही नहीं कर सकते. वो तो जो कंफ्यूजन तुम्हें दिख रहा है वही कंफ्यूजन आते चले जाएंगे. यस सर, थैंक यू सर. सर यस सर, सर आपने एल माइनस बी करा और बाय चांस अगर एल हमारा 2 होता और बी हमारा 3 होता तो हमारा माइनस 1 में आ सकता था क्या? माइनस आ जाता. हाँ हाँ, माइनस आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एरर ऐड होता, एरर नेगेटिव नहीं होता. सर लेंथ का माइनस में तो आती नहीं है, इसका मतलब यही है कि वो कम में से ज्यादा को सब ट्रैक करवा रहा है. सिंपल भाई, दो लेंथ है ना,
लेंथ पॉजिटिव है, दोनों लेंथ पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप कम वाली वैल्यू में से ज्यादा वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर हाल में नेगेटिव आएगा। तो सिर्फ ये बताएगा कि आपने कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट किया, वो जो यूजुअली नहीं करते। अगर वो कहता है दो चीजों का डिफरेंस निकालना, तो हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं, तो नेगेटिव साइन बताएगा आपने स्मॉलर माइनस ग्रेटर किया हुआ है, और कोई उस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस नहीं होगा। भाई ये क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट देखो। तो ये तो आ गया जब आप क्वांटिटीज को ऐड करोगे या जब आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट देखिए, अब जब आप क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखो एरर कैसे कंबाइन होता है। अच्छा, यहां भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, बट कोई एक डेरिवेशन मैं करके दिखाता हूं, दूसरा मैं डायरेक्ट लिखूंगा। रिजल्ट जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए रिजल्ट सेम आते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा एक क्वांटिटी ए है, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा है। हाँ देख, ये डेल्टा ए कौन सी वैल्यू है? हार्दिक है क्लास में? हार्दिक नहीं है। गौरव, डेल्टा ए कौन सा एरर है ये जो डेल्टा ए एम यू? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। देन यू हैव बी व्हिच इज मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी, सो दैट्स मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, वो आपसे कहता है ए मल्टीप्लाइड बाय बी कर दो, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी करने का मतलब है कि आप ए एम प्लस मीन वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो मीन वैल्यू ऑफ बी प्लस माइनस डेल्टा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि ए बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो मीन वैल्यू ऑफ से मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई कर दो मीन प्लस माइनस मीन वैल्यू ऑफ ए इनटू डेल्टा बी, इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस डेल्टा ए इनटू मीन वैल्यू ऑफ बी, इससे मल्टीप्लाई कर दो मीन वैल्यू ऑफ ए मीन वैल्यू ऑफ, ये आ गया आपका पूरा सिस्टम। ए बी इतना आ गया ए एम बी एम प्लस माइनस ए एम डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी एम प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब इसके बाद देखो डेल्टा ए स्मॉल होता है, डेल्टा बी डेल्टा ए दोनों स्मॉल होंगे। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो डेल्टा ए स्मॉल था डेल्टा बी भी स्मॉल था, अगर डेल्टा ए और डेल्टा वी को मल्टीप्लाई कर दें तो जो टर्म आएगी वो टर्म और ज्यादा छोटी है, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को तुम ऑलमोस्ट जीरो लिख सकते हो, इसे निग्लेक्ट कर सकते हो। सर बट अगर हमारे सपोज डेल्टा ए 0.2 है और डेल्टा बी 0.3 है तो अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है सर। नहीं सर, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ सर वो ये है कि इफ क्या कहते हैं हमारे किसी भी कंडीशन में एरर ज्यादा नहीं आ सकते? नहीं यार, मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि अगर एरर मान लो 2 meter का एरर आ रहा है मेजरमेंट में तो उसका कोई मतलब नहीं बनता सर, तो तुम्हारी मेजरमेंट्स बिल्कुल ही गलत है, मतलब वो अजम्पशन ही गलत हो जाएगा, वो अजम्पशन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। एरर का मतलब ही ये है कि आपने मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ एक रॉड लो, उसकी लेंथ 10 meter है, उसकी मेजरमेंट में 2 mm 4 mm 5 mm का एरर आता है तो ठीक है परमिसिबल है, 2 centimeter तक का भी परमिसिबल है, लेकिन अगर 10 meter में 2 meter का एरर आ जाए तो परमिसिबल ही नहीं है ना, वो तो लॉजिक ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका तो मतलब यही कि तुमने बिल्कुल गलत मेजरमेंट्स ली है, तुम्हें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
सर और मतलब एरर का मल्टीप्लिकेशन भी सेम रह सकता है. सपोज हमने 100 सेंटीमीटर का कोई मेजर लिया, उसमें से एक बार एरर आई 1 सेंटीमीटर, सेकंड टाइम सपोज 0.5 सेंटीमीटर आई सर, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो तो उतना ही रहेगा ना 0.5 सेंटीमीटर. यहाँ हम दो अलग अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर्षित, जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने लेंथ ही मेजर करी, पहले मेरा एरर आया लेंथ के मेजरमेंट में 0.5, फिर मैंने मेजर किया 0.1 आया. सो दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स, वन आया, दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स. तुम्हें इन सब का मीन लेकर एक मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होगा जिसे तुम यूज करोगे. तुम्हें इन सब का मीन लेकर एक मीन एब्सोल्यूट एरर लेना होगा जिसे तुम यूज करोगे. समझ में आ रहा है हर्षित? हम एब्सोल्यूट एरर नहीं कंबाइन कर रहे हैं, हम दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं बिल्कुल. एक ए है एक बी है, ये दो अलग अलग मेजरमेंट्स हैं. ए डेल्टा ए, ए का मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा बी, बी का मीन एब्सोल्यूट एरर है. अब मैं इन्हें कंबाइन करूं, दूसरा एब्सोल्यूट, सॉरी दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम पहली 100 है तो दूसरी 101 मान लेते हैं सर, तब भी तो मतलब डिफर करी, पर वो नहीं दे सकते अगर, नहीं नहीं अगर तुम वो कह रहे हो ना कि दो एरर्स बहुत लार्ज हैं, तो फिर ये एक्सप्रेशन, ये जो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, ये अजम्पशन वैलिड नहीं होगा. आगे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी वैलिड नहीं होगा, विच इज अनफिजिकल. एरर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर तुम मान के चल रहे हो बहुत बड़ा एरर है, तो तुम्हें सब कुछ यहीं से कैलकुलेट करना होगा. आगे का कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. आगे जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे वो वैलिड ही तब है जब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा, जब डेल्टा ए डेल्टा बी स्मॉल होगा. ठीक है अर्शित? हाँ सर, आपने कहा ना कि सपोज ए और बी अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए. ए और बी अलग अलग क्वांटिटीज हैं. तो मतलब वो छोटी माइन्यूट पॉइंट से भी डिफर कर सकती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डिफर कर सकते. एक्सक्यूज मी सर, अब इसके बाद हाँ युवराज, तो ये बेसिकली अगर अगर हम इसे किसी को किसी से रिलेट ही करना है, तो ये अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, तो उसमें भी अगर एक टर्म, जैसे एक ब्रैकेट में एक टर्म है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है दूसरे ब्रैकेट के, फिर दूसरी टर्म दोनों के साथ होती है, और ये प्लस माइनस का साइन सर सब में लग जाएगा. हाँ वही चीज है, ये अभी तो मैंने नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन लिया है, मैं एरर का तो कुछ खास मैंने यूज ही नहीं किया, अभी मैंने एरर की कोई खास चीज यूज नहीं करी. अब इसके बाद से एरर का आएगा. ओके, यहां तक और कोई डाउट है किसी का? नो डाउट सर. ए और बी को जब तुमने मल्टीप्लाई किया ना, मान लो एक ए लेंथ था बी ब्रेथ था, मल्टीप्लाई करोगे एरिया आएगा. ए और बी को मल्टीप्लाई कर कोई क्वांटिटी आएगी सी, उस क्वांटिटी सी में भी दो पार्ट्स होंगे, एक सी की मीन वैल्यू होगी, एक सी का एरर होगा. ए और बी को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जो थर्ड क्वांटिटी सी आएगी, उस क्वांटिटी सी में भी दो पार्ट्स होंगे, एक मीन वैल्यू ऑफ सी, एक एरर ऑफ सी. तो ये जो ए बी क्वांटिटी है, इसे मैंने कह दिया ये सी के इक्वल है, सी की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन सी. टू को उठाकर आपने वन में रख दिया, टू को जब आप वन में रखेंगे, सो इट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन सी, ए की मीन वैल्यू बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस ए की मीन वैल्यू इनटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इनटू बी की मीन वैल्यू. ये तो नेग्लेक्ट हो गया. इस स्टेप तक बताओ मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम है? हर्षद, ये वन कौन है, हार्दिक है क्या? भूमि, दिव्यांशी, गौरव, सोमिया, हाँ युवराज. तो ये सबसे फर्स्ट वाला स्टेप जो था, ए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी का मीन प्लस माइनस ट्रायंगल डेल्टा सी, ये हुआ क्या है इसमें? अरे कुछ नहीं हुआ, मतलब ए और बी को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कोई क्वांटिटी तो आएगी. एक क्वांटिटी ए थी, दूसरी क्वांटिटी बी थी, जब ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी आई, उसको मैंने सी कह दिया. हाँ जी. अब अगर क्वांटिटी ए इस फॉर्मेट में है कि ए इज मीन वैल्यू प्लस एरर, बी भी इसी फॉर्मेट में है कि मीन वैल्यू प्लस एरर, तो जो सी आएगी वो भी तो सी इसी फॉर्मेट में होगी, सी की मीन वैल्यू प्लस माइनस सी का.
सर मुझे ना इस पूरी चीज में एक चीज नहीं समझ आई, जैसे हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक सिंगल टर्म आनी चाहिए जो है सी, तो लेकिन सी बिल्कुल सी आया, लेकिन खुद बताओ सी जो जब भी हम एरर एनालिसिस में कोई क्वांटिटी लिखते हैं ना तो क्वांटिटी सिंगल नहीं होती, उस क्वांटिटी में दो पार्ट्स होते हैं, एक उस क्वांटिटी की मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू और दूसरा उस क्वांटिटी का एरर। जब भी तुम कोई चीज लिखते हो विद एरर तो उसमें हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक उस क्वांटिटी की मीन वैल्यू जरूर होती, दूसरा उस क्वांटिटी का एरर जरूर होता है। तो यहाँ जो सी की मीन वैल्यू है, जैसे क्वांटिटी सी आ गई, इसमें भी तो दो पार्ट्स आएंगे, एक सी की मीन वैल्यू होगी और सी का एरर होगा। जैसे तुमने एल और बी लिया था लास्ट न्यूमेरिकल में, जब एल और बी को ऐड किया तो एक सिंगल क्वांटिटी आई थी युवराज या दो क्वांटिटीज आई थी? सर ए प्लस बी से डबल क्वांटिटीज आई थी जब हमने करा था, जब सबट्रैक्ट किया था तब भी एक सिंगल क्वांटिटी आई थी, दो क्वांटिटीज आई थी सर डबल। हमेशा एरर एनालिसिस में जब भी कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे उसमें दो पार्ट्स हैं, दो क्वांटिटी नहीं है, हर क्वांटिटी के दो पार्ट्स हैं, एक मीन वैल्यू और एक एरर। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो सर। सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी तभी तो आएगा जब सर हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। आपने सिर्फ एम बी एम प्लस माइनस ए एम डेल्टा बी एम और प्लस माइनस, तो आपने सर डेल्टा ए डेल्टा बी तो लिखा। अरे 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 वही तो लिखा, ये जो ए बी होगा ये ए बी सी में आएगा, ये भी था लेकिन यहाँ मैंने एक अप्रोक्सीमेशन ले ली, ये एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ये एग्जिस्ट कर रहा है डेल्टा ए डेल्टा बी, लेकिन मैं ये अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ कि डेल्टा ए और डेल्टा बी स्मॉल है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट प्रोडक्ट विल बी नेग्लिजिबल। अगर आप ये कहते हो नहीं ये नेग्लिजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, इसके आगे के स्टेप्स वैलिड नहीं होंगे। किसी बुक का फॉर्मूला आप अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हो, इसके आगे की चीजें तभी जाएंगी जब आप ये अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं कि डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों स्मॉल हैं और इनका प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है। बहुत क्लियर होना चाहिए, यहां तक कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपको यही छोड़ना पड़ेगा, फिर आप यहां से जो भी कह रहा है इस इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे। Okay, वो न्यूमेरिकल में जो भी कैलकुलेट करवाएगा वो सब तुम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे सर, तो फिर आगे जो सिंपलीफाइड फार्मूला निकल कर आएगा वो वैलिड नहीं होगा। एक तरह का ड्रॉबैक हो गया इस फॉर्मूले का। ड्रॉबैक नहीं हुआ, जब भी हम कोई फॉर्मूला लेते हैं तो किसी कंडीशन में वैलिड होता है। तुम कह सकते हो फॉर्मूला तभी वैलिड है जब डेल्टा और डेल्टा बी स्मॉल होगा, विच इज द फैक्ट कि 99% केसेस में एरर इज स्मॉल। एरर स्मॉल नहीं है तो यहाँ से निकालोगे, तो जैसे ही तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे ये आ गया सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी विच इज ए एम बी प्लस माइनस ए एम डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा एम बी एम विच इज इक्वल टू सी। तो जो हमने पीछे किया था हाँ, उसके बाद जैसे हमने पीछे जो किया था लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके सर लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में हमने ए डेल्टा ए इज स्मॉल एंड डेल्टा बी कॉमा डेल्टा ए डेल्टा बी इज स्मॉल स्मॉल देन जीरो, देयर स्मॉल, डेल्टा ए भी छोटा है डेल्टा बी भी छोटा है, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी का जो प्रोडक्ट होगा वो और छोटा आएगा। हाँ जी, मान लो युवराज ए है 0.1, डेल्टा ए 0.1, डेल्टा बी 0.2, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0.02, और छोटा हो गया। यस सर। अगर दो स्मॉल क्वांटिटीज है उनका प्रोडक्ट और छोटा आएगा। हाँ जी सर, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, वो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, दैट इज ऑलमोस्ट। हेलो सर जी। हाँ जी। ओके, बाद में इसे फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे सर जी हम, अभी आने तो दोस्त फॉर्मूले पे पहुंच जाऊं मैं, वहां फिर बताऊंगा मैं फॉर्मूला कहां है, अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूं, जैसे ही आएगा फिर बताऊंगा। अब यहां तक हुआ भाई सबका? यस सर। डेरिवेशन इसीलिए अक्सर स्कूल्स में हर जगह स्किप कर दी जाती है, बहुत परेशान करती है। अच्छा अब देखो सी की जो मीन वैल्यू है, सी की मीन वैल्यू ए की मीन वैल्यू और बी की मीन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। This is equation number 4.
मीन वैल्यू ऑफ सी और ए की मीन वैल्यू और बी की मीन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी सी। जब भी आप क्वांटिटीज को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, मीन वैल्यू अलग सॉल्व होती है, एरर अलग सॉल्व होता है। तो सी की जो मीन वैल्यू होगी वो ए की मीन वैल्यू और बी की मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर कर आएगा। सो दैट्स मीन वैल्यू ऑफ सी विच इज ए एम बी एम। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इन इक्वेशन थ्री डिवाइड एल एच एस बाय सी एम एंड आर एच एस बाय ए एम बी एम। एल एच एस को सी एम से डिवाइड करते हैं, आर एच एस को कौन बोला? यार ये 100% श्योरिटी से तो मैं नहीं कह सकता, यूजुअली नहीं पूछा जाता। ए एम लेफ्ट वाले को सी एम से डिवाइड करो, राइट वाले को ए एम बी एम से डिवाइड करो। भाई मेरे पास स्पेस नहीं है, इतना लिखो, बस एक दो स्टेप्स और हैं, उसके बाद ये डिराइव हो जाएगा। भाई इतना लिखो, सब जल्दी जल्दी, फिर बताओ मुझे इतना हो जाए तो। दिव्यांशी का हो गया, तो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाते हुए बस हमने जीरो उसमें डाल दिया, बस इसमें जीरो डाल दिया है। आंसर सी ऑफ एम इज इक्वल टू ए ऑफ एम इनटू बी ऑफ एम कैसे आएगा? भाई हम जब भी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे लास्ट वाले में देखो, जब मैंने ए की मीन वैल्यू, कुछ चीजें ना लॉजिकल हैं, लाइक ये एरर वैसा नहीं है कि आपने एलजेब्रा जैसे पढ़ा था वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन से सब आता चला जाए। एरर एनालिसिस बहुत लॉजिकल टॉपिक है, कुछ चीजें लॉजिकली आती हैं। जैसे लास्ट वाले में जब आपने ऐड करी थी दो क्वांटिटीज युवराज, तो एडिशन में मीन वैल्यूज के साथ ऐड हो रही थी या मीन वैल्यू के साथ ऐड हो रही थी? तो मीन वैल्यू के साथ एरर ऐड हो रहा था। नहीं नहीं, मतलब दो क्वांटिटीज को जब आपने ऐड किया था एल और बी को, तो एल की मीन वैल्यू बी के एरर के साथ ऐड हुआ था या एल की मीन वैल्यू बी की मीन वैल्यू के साथ ऐड हुआ था? सर मीन वैल्यू मीन के साथ ऐड हुई थी। मीन वैल्यू मीन के साथ, सब्ट्रैक्शन में सेम माइनस हुआ था सर, सेम मीन वैल्यू मीन के साथ। तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन में भी मीन वैल्यूज मीन के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो जब भी आप ए की मीन वैल्यू को बी की मीन, देखो हो क्या रहा है, सी का एरर ए और बी के एरर्स पर कैसे डिपेंड करेगा वो यहीं से डिवाइड कर आपको मिल जाएगा। हाँ जी सोना सर जी, ये आपने जैसे कि सी का मीन वैल्यू और ए और बी दोनों का मीन वैल्यू इक्वल किया ना सर जी, उसी तरह हम डेल्टा सी और उस डेल्टा ए और बी को भी इक्वल कर सकते। वही हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि वो कैसे इक्वेट होगा, डेल्टा सी डेल्टा ए और डेल्टा बी पर कैसे डिपेंड करेगा। तो देखो जब तुम इसे डिवाइड करोगे, एक मिनट सोना अभी दिख जाएगा तुम्हें, जो तुम कह रहे हो तुम्हें दिखना शुरू होगा। सी एम डिवाइडेड बाय सी एम, लेफ्ट को सी एम से कैलकुलेट किया, डेल्टा सी एम डिवाइडेड बाय सी एम, इट्स ए एम बी एम डिवाइडेड बाय ए एम बी एम, प्लस माइनस। भैया लिखा है सबने? यस सर। प्लस माइनस एम इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए एम बी एम प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एम डिवाइडेड बाय ए एम बी एम। तो देखिए ए एम बी एम से ए एम बी एम का आंसर हुआ, सी एम से सी एम का आंसर हुआ, ए एम से ए एम हो जाएगा, बी एम से बी एम हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ प्लस माइनस और यहाँ एक वन बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा सी बाय सी एम, ये भी 1 बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी एम,
प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ये वन इज वन को कैंसिल कर देगा, अब ये आपको मिल गया प्लस माइनस डेल्टा सी बाय सी एम इज प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी एम प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, प्लस माइनस यहां से कॉमन ले लो, सो प्लस माइनस डेल्टा सी बाय सी एम, प्लस माइनस यहां कॉमन आया, दिस इज डेल्टा बी बाय बी एम प्लस डेल्टा ए बाय ए, प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास बच गया डेल्टा सी बाय सी एम डेल्टा ए बाय ए एम प्लस डेल्टा बी बाय बी एम, कि जब तुम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो मीन वैल्यूज डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन एरर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यही रिजल्ट है फाइनल। कंबाइन कौन से एरर हो रहा है, कोई बताएगा मुझे डेल्टा ए बाय एम कौन से एरर होता है? रिलेटिव एरर। सो जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो एब्सोल्यूट एरर कंबाइन नहीं होता, रिलेटिव एरर कंबाइन होता है, कि सी का रिलेटिव एरर इज ए का रिलेटिव एरर प्लस बी का रिलेटिव एरर, मीन वैल्यूज डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इन सब को यूज करते हुए सीएम इज इक्वल्स टू एएम इनटू बीएम गिवन था, ये लॉजिक है, मतलब ये गिवन नहीं था, लेकिन जब भी आप दो क्वांटिटीज को किसी भी तरह से कंबाइन करो, एरर मुझे नहीं पता, एरर तो नई चीज है, लेकिन मीन वैल्यू तो यूजुअल नंबर है, तो अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करता हूं और एरिया आता है, तो मुझे ये पता है कि एरिया की मीन वैल्यू लेंथ की मीन वैल्यू और ब्रेथ की मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर आएगी, अगर मैं एल और बी को एड कर एक सी लिखता हूं तो मुझे ये पता है कि सी की मीन वैल्यू L और B की मीन वैल्यूज को ऐड कर आएगी, ऐसी अगर दो क्वांटिटीज में पावर ऑवर यूज कर रहा हूं तब भी जो मीन वैल्यू होगी वो नॉर्मल वो अलजेब्रिक ऑपरेशन करने के बाद सॉल्व होती है, तो मनस्विन ये वही लॉजिक है कि अगर आप A और B को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तब भी C की जो मीन वैल्यू होगी वो A और B की मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर आएगी, दिस इज नॉर्मल अलजेब्रा, ये नया नहीं सीखना, ये तो तुम्हें नर्सरी से सिखाया जाता है, नई चीज ये है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर नहीं कंबाइन होता, रिलेटिव एरर कंबाइन होता है, बट ये तभी वैलिड है जब डेल्टा ए और डेल्टा बी इज जीरो, इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, जैसे हर्षित कह रहा था नहीं होगा, हर्षित ने मुझे बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि छोटा नहीं होगा, ओके इफ योर एरर इज नॉट स्मॉल तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, टू कैलकुलेट डेल्टा सी तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, पूरी इक्वेशन सी एम निकालो, ए एम निकालो, बी एम निकालो, डेल्टा बी, डेल्टा ए, तब जाके तुम्हारा डेल्टा सी आएगा, बट अगर ये स्मॉल वैल्यूज है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इतना लिखिए, एक न्यूमेरिकल करेंगे तो जरा क्लियर होगा। तो जी मैंने बोले वैसे कंडीशन होती है, अनफिजिकल है हर्षित, अनफिजिकल है। अच्छा, इनवैलिडी मानी जाएगी मतलब? हाँ, लेकिन ये जेई एडवांस में कभी कभी डाल देता है, कहता है नहीं एरर स्मॉल तो करो, जेई एडवांस में ऐसे काम बहुत करवाता है, कहता है नहीं है स्मॉल नहीं, अब करके दिखाओ अगर ऐसा हुआ तो वो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे क्लियर होगा ये। डन सर। डन। तो सर बेसिकली ये है कि अगर हम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ उसके रिलेटिव एरर्स प्लस कर देते हैं। रिलेटिव एरर्स के ऐड हो जाते हैं। नो इज देयर नो जानवी, ये लिखा तो अभी तो बताया था बच्चे मैंने, अगर ये स्मॉल नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला है डेल्टा ए डेल्टा बी जीरो नहीं होगा, फिर ये फॉर्मूला होगा सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी, जो लिखा था ना सेकेंड इक्वेशन में सारा, ए एम बी एम प्लस माइनस ए एम डेल्टा बी प्लस माइनस बी एम डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, तो ये फॉर्मूला है अगर एरर स्मॉल नहीं है तो, बट अगर एरर स्मॉल है तब आप इसे यूज कर सकते हो, सिंप्लीफाई हो जाएंगे चीजें। इसे मैं रब करता हूँ, ये शायद 10 सालों में पहली बार हुआ है कि ये एरर इतना लंबा डिस्कशन खींचा है। हाँ, डिविजन में भी सेम रहता है रिजल्ट। क्वेश्चंस देखो, तो उसकी डेरिवेशन अलग से नहीं होगी डिवीजन की?
डिवीजन में रिजल्ट सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, बस जहां मैंने ऐड करा है वहां तुम डिवाइड करना शुरू कर दोगे, बाकी सब सेम रहता है। तो मान लो तुम्हें एक लेंथ गिवन है 3 ± 0.3 मीटर, तुम्हें ब्रेथ गिवन है 2 ± 0.2 मीटर, वो कहता है कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट। एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ विद एरर लिमिट। तो देखो ये जो एरिया होगा ना, एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। आप लिख सकते हैं एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये जो एरिया है, हर क्वांटिटी में दो पार्ट्स होंगे भाई, जब लेंथ में मीन वैल्यू और एरर है, ब्रेथ में मीन वैल्यू ऑफ एरर है, तो एरिया में भी मीन वैल्यू भी होगा और एरिया का एरर भी होगा। युवराज बहुत देर से डिस्कस किया था, बता ए की मीन वैल्यू कैसे आएगी? सर ए की मीन वैल्यू से दोनों की मीन वैल्यू को प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की मीन वैल्यू आ गई 3 × 2 विच इज 6 मीटर स्क्वायर। हर्षित एरर कैसे निकालेंगे ए में? अरे वाह, फॉर्मूला यूज करेंगे डेल डेल, ठीक है, जैसे डेल सी बाय सी रिलेटिव एरर कंबाइन हो ना, डेल्टा ए बाय एम इक्वल्स डेल एल बाय डेल्टा एल बाय बीएम, सॉरी नॉट बीएम, माय एलएम आ प्लस डेल बी बाय बीएम। डेल्टा ए कैलकुलेट करना है, पता नहीं एम आ गया 6, डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है 0.3, एल एम इज 3, डेल्टा बी इज 0.2, बी इज 2, तो डेल्टा ए बाय 6 आ गया, इट्स 6, 0.3 × 2, 0.2 × 3, सो डेल्टा ए बाय 6, 0.6 प्लस 0.6 कितना आ गया 1.2 बाय 6। हर्षित गलत आ रहा है तुम्हारा, तो ये डेल्टा ए आ गया 1.2 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर लिखोगे मीन वैल्यू विच इज 6 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर 1.2 मीटर स्क्वायर। इसमें डाउट बताओ मुझे अब, चलो एक्सक्यूज मी सर, यस सर, yes, yes. हम इसमें सर सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन भी तो कर सकते हैं जैसे इक्वेशंस में होती है? नहीं, जब तुम मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो और लेंथी हो जाएगा, तो जैसे हमने उसकी डेरिवेशन में किया था। या सर वो मतलब तुम यश प्रिय कह रहे हो कि पूरी डेरिवेशन रिपीट कर दो, दैट्स लेंथी, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं तो थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो पूरी डेरिवेशन रिपीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैसे ही समझाना भी सरदर्द था, वो तो न्यूमेरिकल में डबल टाइम ले जाएगा। यू आर करेक्ट, अगर तुम चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनस्विन, सोमिया, यस सर जी, हाँ हाँ सर हो गया। सर जी, हाँ डॉट जी बोलो, वो 0.3 × 2 + 0.2 × 3 जो बाय 6 है ना, वो 1.2 बाय 6 कैसे आया सर जी? अबे वो डॉट जी 0.3 × 2 कितना होता है? 6 0.6। 0.2 × 3 कितना होता है? अच्छा अच्छा समझ आया सर जी, समझ आया ना, बता ऐड करो। आया समझ आया सर जी, आया। वो सर जी वो है ना, डेल्टा को हटाए तो a इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 1/2 मीटर स्क्वायर है ना? हाँ। वो डेल्टा किसे वो 6 कहाँ से आ गया? अरे ये रहा ना आंसर को हम लिखते हैं मीन, पूरी बात सुना करो सोनम, शुरू से आखिर तक सुना करो, बीच बीच में तुम सो जाते हो शायद, यही तो स्टार्ट किया था, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा है, तो देखो मीन वैल्यू कितनी है 6, एरर कितना आया उसमें? सॉरी सर जी,
चलो जी रब कर दूं जी सर थैंक यू एग्जैक्टली सेम डिवीजन में होगा मैं डिराइव नहीं कर रहा तुमसे डेरिवेशन कभी कोई पूछेगा नहीं लेकिन बस इलेवेंथ में जरूरी होता है कि हर चीज आपको एटलीस्ट ये पता हो कि डिराइव होती कैसे डिवीजन में अगर वो आपसे कहता है डी निकालो यार विच इज ए बाय बी तो इस डी में भी दो पार्ट्स होंगे डी की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन डी तो डी की जो मीन वैल्यू है वो ए की मीन वैल्यू और बी की मीन वैल्यू को डिवाइड कर कर आएगी और डी में जो एरर होगा वो वैसे ही आएगा जैसे हमने अब तक लिया था रिलेटिव एरर ऐड होगा डी में रिलेटिव एरर इज ए में रिलेटिव एरर प्लस बी में रिलेटिव एरर तो देखो एग्जाम्पल देखो तो इसके बाद फाइनल कंक्लूजन आता है इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वी कंबाइन रिलेटिव एरर ऑफ फ्रैक्शन एरर एडिशन सब्ट्रैक्शन में गौरव कौन सा एरर कंबाइन करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कौन सा एरर कंबाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम सेम सो रहा है ना अभी लिखा हुआ ऊपर करो रिलेटिव सो रहा है बैठा हुआ तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप जो एरर कंबाइन करेंगे दैट एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन होता है मुझे डेंसिटी निकाल के दिखाओ विद एरर लिमिट हर्षित अब गलत नहीं होना चाहिए जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ डेंसिटी निकालो विद एरर लिमिट सर जी वो 0.41 ग्राम है नहीं भाई 0.4 किलोग्राम है अच्छा डेंसिटी निकालो विद एरर लिमिट आंसर कैस्पर 2 प्लस माइनस 0.4 हर्षित 2 प्लस माइनस 0.4 ओके Excuse me, sir. Yes, Yuvraj. Sir, जैसे अगर हम मास की लेते हैं कि उसका एरर जो है उसमें सपोज 0.41 है तो हम उसको 0.4 कंसिडर कर लें नहीं 0.4 ही लेंगे 0.41 ही लेंगे 0.41 से डिवाइड करें ये तो 0.4 दिया हुआ है ना 4 प्लस माइनस 0.4 मैंने वन पे कहा शिट सर सर हाँ इस कैलकुलेशन में भी हम लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करेंगे ना अगर सपोज 0.41 होता और वो 0.2 ही होता तो यार देखो बेस्ट तो यही होता है कि सिग्निफिकेंट एरर यूज सिग्निफिकेंट फिगर यूज करो लेकिन जब तक न्यूमेरिकल में ये ना लिखा हो कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स यूज करने हैं तब तक आपकी चॉइस है आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं बट मैं फिर से कह रहा हूँ इट्स बेटर कि आप सिग्निफिकेंट फिगर लें लेकिन अगर आपके पास नहीं लिखा है न्यूमेरिकल में तो आपकी चॉइस है आप स्किप भी कर सकते हो जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना एनसीईआरटी ने सिग्निफिकेंट फिगर एरर के बाद में दिया है तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर कहीं न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है यूज सिग्निफिकेंट एरर फिगर तो फिर जो रूल सिखाए थे वो आपको यूज करते हो अभी मैं सिग्निफिकेंट फिगर पर जा नहीं रहा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा डेंसिटी चाहिए मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी में भी दो पार्ट्स होंगे एक डेंसिटी की मीन वैल्यू होगी दूसरा डेंसिटी का एरर होगा डेंसिटी की मीन वैल्यू इज मास की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की मीन वैल्यू मास की मीन वैल्यू इज 4 वॉल्यूम की मीन वैल्यू इज 2 इट्स 2
केजी पर मीटर क्यूब। अब जो एरर निकालोगे डेल्टा रो बाय रो एम, डेल्टा एम बाय मास की मीन वैल्यू प्लस डेल्टा वी बाय वॉल्यूम की मीन वैल्यू। सो डेल्टा रो बाय रो एम इज 2, डेल्टा एम कितना है 0.4, मास की मीन वैल्यू इज 4, डेल्टा वी इज 0.2, इट्स 2। तो डेल्टा रो बाय 2 आ गया, ये आ गया 0.1 प्लस 0.1, सो डेल्टा रो बाय 2 आ गया 0.2, डेल्टा रो इज 0.4 केजी पर मीटर क्यूब। चलो भाई इतना लिख लीजिए। गौरव क्या गड़बड़ कर रहा था, 0.45 कैसे आ रहा है? सर वो तो मैंने एलसीएम में थोड़ी सी गलती की थी सर, वो क्या कहते हैं एलसीएम लेते वक्त 0.8 by 4 आ जाएगा। मेरी एलसीएम में गलती हो गई, एलसीएम में गलती हो गई। तो ये बेसिक, यहाँ बताओ मुझे कोई परेशानी है किसी को? फिर एक आध एक रूल और देखो, फिर उसके बाद ढंग के न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो। अरे यार टाइम हो गया। अच्छा एक अनाउंसमेंट और है भाई, सुनो सर, कल से बिछड़ने वाले हैं। हाँ कल से सब बिछड़ रहे हो, ये लिख लिया ना सबने भाई, अब से बैचेस का डिवीजन है। सर रिजल्ट्स का क्या हुआ? रिजल्ट्स तो तुम्हारे उस रिजल्ट्स तो जब तुम खोलोगे ना अपना ऐप, उसमें माय टेस्ट रिपोर्ट कर एक सेक्शन है, उसमें उठाकर देखो तुम्हारे रिजल्ट्स अपडेटेड हैं उसमें। थैंक यू सर। सारा कंपेरेटिव है कि तुम्हारे बैच के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आए, क्या हुआ, वो सारा का सारा डिटेल्ड रिजल्ट है उसके अंदर। तो सर बैचेस आप होंगे? नहीं अभी तो सिर्फ नीट और जेई पर है, फिर फर्दर डिविजन होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत है। नीट की भी हमें दो दो बैचेस बनानी होंगी, तो वहां हम डिवाइड करेंगे फिर कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है, वो फिर फर्दर सेग्रीगेट करते चले जाते हैं। डन सर। प्लस नीट इज ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4:30 to 5:30 केम, 5:30 to 6:30 फिजिक्स, 11 प्लस जे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। नेक्स्ट वीक से ये सारी टाइमिंग्स 2-2 आवर्स के हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ आवर्स भी डबल हो जाएंगे। 4:30 to 5:30 केम, 5:30 to 6:30 फिजिक्स। देखो अब तक जो मैंने कराया था उसमें जेई और नीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, अब से डिफरेंस जेई और नीट की डिफरेंस हो गया। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है सब, क्योंकि अब से काफी डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, इनफैक्ट एरर से डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, एमडब्ल्यूएफ के अलावा क्लासेस नहीं होंगी हमारी? नहीं एमडब्ल्यूएफ है प्लस एक्स्ट्रा क्लास संडे को होगी। सर मैं आपसे बात होगी मैथ्स और बायो तो इवनिंग में है, मॉर्निंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक क्लास हम लगाया करेंगे, उसके लिए ना परेशान हो। संडे टू संडे या फिर मतलब सिर्फ वीकेंड्स पे होगी या फिर ऐसी जो आपने बोला है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे कुछ होगी? कौन सी फिजिक्स एंड केम? नहीं सर मैथ्स और बायो भी सैटरडे संडे इस वीक तक, जैसे जैसे अपडेट होता चला जाएगा मैं बताता चला जाऊंगा। सर मेरा क्या होगा सर, मैंने तो दोनों जी और नीट ले जेई और नीट ले रखा है ना। दोनों किसने ली, कौन ले सकता है, कौन है? तो PCMB हमारे यहाँ मिलती है ना। हाँ तो उसमें PCMB में इशू नहीं आएगा, मतलब तुम्हारा कोई एक ही मेन होगा ना जेई और नीट में से। मतलब मैं रोज की क्लासेस अवेल कर सकता हूँ ना? हाँ चारों ले सकते हो, बचाने ठीक है सर। हाँ
सर मैंने तो कुछ ऑप्ट ही नहीं किया। कौन है सर? यश। यश यश कुछ तो एक तो ऑप्ट करना होगा। ओके सर एक तो ढूंढो, नहीं है तो फिर कभी मेरे साथ बैठो, मुझे फोन करो, मैसेज करो, हम बैठ के डिस्कस करते हैं। वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि आप, मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको कि आपको ये करना चाहिए। ओके सर चलो भाई यही छोड़ते हैं। गौरव अब मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, डाउट्स लेने हैं। गौरव तो मतलब कि आप डाउट्स पूछ रहे थे मुझसे। हां मतलब बस सर क्वेश्चन था। हां If E, Q and R are different physical quantities, then which of these options can never be a meaningful value? Or iske option de P minus Q divided by R, P Q minus R. One minute. Are different physical quantities, then which of the following are meaningful? Sir, can never be meaningful. हाँ, अच्छा, not meaningful. हाँ, बताओ क्या क्या है? P minus Q upon R, P Q minus R. PQ upon R, आखिरी ऑप्शन है PR minus Q square upon R. ये वो उसका है ना, कल तो जो क्वेश्चन हुआ था सैंपल पर। ये नहीं होगा ना, देखो दो अगर सबकी डायमेंशंस अलग है ना, जिन क्वांटिटीज की डायमेंशंस अलग है उन्हें आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। P और Q को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, गलत है। P और Q अलग अलग है, इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इन्हें मल्टीप्लाई कर कर R की इक्वल आ जाए, तो इट मे बी मीनिंगफुल। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो दोनों कर सकते हैं अलग अलग क्वांटिटीज को। यहाँ भी देखो P और R को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, अलग अलग क्वांटिटीज है, हो सकता है मल्टीप्लाई कर कर Q स्क्वायर के इक्वल डायमेंशन आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है सर। नेवर तो फिर A ऑप्शन होना चाहिए था ना आंसर, नॉट मीनिंगफुल। तो ए ऑप्शन होना चाहिए था आंसर। हाँ सर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में डी कर रखा है, मतलब उसमें आंसर्स वगैरह में, तो मैं वही पूछ रहा था कि ए की है। अरे मेरा मेरे में डी कर रखा है यार, कोई ग्लिच होगा, मेरा भी बहुत बड़ा ग्लिच है, मेरे सारे सही पर स्कोर्स नहीं दिखा रहा था। एक सेकंड गौरव तुमने कौन से में दिया था, जेई और नीट में? जेई। और अभी कौन बोला था, आमना बोली थी शायद, या फिर भूमि? भूमि तुम्हारा कौन सा में था? नीट में। गौरव तुम्हारा जेई था है ना? जी भूमि का नीट था। ये हमारा जिसने टाइप करा है ना टाइपिस्ट, उसकी गलती है, उसने शायद जरा सा गलत टाइप कर दिया। वो असल में यार कोड करना होता है पूरा, ये डायरेक्ट टाइप होता है नहीं है, तो इसमें कभी कभी एकदम से ना वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, तो सब पगड़ाए हुए लोग। इसको देखता हूँ, गौरव सही है, बस यही था। और कोई डाउट किसी का, कुछ और डिस्कस करना है? सर ये क्वेश्चन नंबर 42। अब हुआ असाइनमेंट, संडे जब मैं असाइनमेंट डिस्कस कर रहा था, मुझे असाइनमेंट के क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। कौन बोला, भूमि? यस सर। असाइनमेंट कहाँ है? असाइनमेंट तो मेरा नहीं होगा ना मेरे पास, भूमि तुझे बताना पड़ेगा बच्चे, मतलब मैंने अपना लैपटॉप अभी डिलीट मारा है सब। 34 और 42 मुझे असाइनमेंट कहीं होगा मेरे पास। एक सेकंड रुको, तुम्हारे ग्रुप पे कहीं पड़ा हुआ। So, एक आया था 42 की डिमांड है और एक 34 है। पहले भाई 42 देखते हैं, फिर 34 पे आ जाते हैं। A gas bubble from an explosion under water oscillate with a time period T. T is proportional to
प्रेशर टू द पावर ए, डेंसिटी टू द पावर बी, एनर्जी टू द पावर सी. ए बी सी चाहिए. तुम इसमें क्या परेशानी है, तुमने इतने कर लिए तो इसमें कैसे अटक गई? के ये तो इजी है. टी क्या होगा? टी वन. के इज डायमेंशनलेस. प्रेशर कितना है? एम वन. एल माइनस वन टी माइनस टू टू दी पावर ए. डेंसिटी इज एम वन एल माइनस थ्री टू दी पावर बी. एनर्जी इज एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू टू दी पावर्स. तो ये हो गया एम जीरो एल जीरो टी वन. एम टू दी पावर ए एम टू दी पावर बी एम टू दी पावर सी. तो एम टू दी पावर ए प्लस बी प्लस सी. एल टू दी पावर माइनस ए माइनस थ्री बी टू सी. माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी. टी टू दी पावर माइनस टू ए माइनस टू सी. सो अगर हम इसे इक्वेट करें तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया. माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी जीरो हो गया. और ये माइनस टू ए माइनस टू सी वन हो गया. भूमि यहां तक क्लियर है? यस सर. अब बस बच्चे ऐड कर दो वन और टू को. ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो. माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी इज जीरो. ये कैंसिल हो गया. माइनस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो. ये आ गई फोर्थ इक्वेशन. अब फोर और थर्ड को सॉल्व कर लो. एक सेकेंड. ए कैंसिल हो गया. अच्छा ए बच रहा है. हो ही नहीं रहा था ये यहाँ से फिर. अच्छा अच्छा हो तो जाएगा, लंदी हो जाएगा बस और क्या. तो देखो ए फर्स्ट क्वांटिटी से फर्स्ट से ए निकाल लो. ए कितना आ गया? माइनस ऑफ बी प्लस सी आ गया. इस ए की वैल्यू को टू में रख दो. ए की वैल्यू एक सेकेंड. और सिंपल देखो, ये भी लेंदी होगा. और दे दो आखिरी वाली इक्वेशन देखो, और सीधा हो जाएगा. फ्रॉम थ्री माइनस टू ए इज वन प्लस टू सी. ए आ गया वन प्लस टू सी डिवाइडेड बाय टू विद अ नेगेटिव साइन. इसे वन में भी रख दो, इसे टू में भी रख दो. जब इसे वन में रखोगे ए की जगह इसे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वन प्लस टू सी डिवाइडेड बाय टू प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो ये आ गया माइनस वन माइनस टू सी प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो. ये कैंसिल हो गया. टू भी कितना आ गया? वन. ये आ गया. हाँ हाँ भूमि अब हो जाएगा. यस सर. आमना तुम हो या गई? आमना का डाउट था. क्वेश्चन नंबर आमना कौन सा बताया था? 34. रब कर रहा हूं मैं. Reynolds number, laminar flow is a function of the density of liquid. Reynolds number is proportional to density to the power x, velocity to the power y, eta to the power z, p मान लो.
तो देखो जब इसे तुम सॉल्व करोगे दोनों साइड आप डायमेंशंस लिखना शुरू कर दो सबकी। भाई रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर इज अ नंबर, नंबर की कोई डायमेंशंस तो नहीं होंगी, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जब यहाँ डायमेंशंस लिखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। के आता है इसके बाद एक, दैट के इज डायमेंशनलेस, के डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। के बाद बाकी सब रखते चले जाओ, डेंसिटी कितना होता है m1 l माइनस 3 टू द पावर x, वेलोसिटी l1 t माइनस 1 टू द पावर y, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l माइनस 1 t माइनस 1 टू द पावर z, और उसके बाद आ गया डायमीटर। और उसने कहा हुआ है, देखो अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगी तो क्वेश्चन में उसने आपको बताया हुआ है कि डायमीटर की पावर क्या है। डायमीटर की पावर कुछ नहीं है, डायमीटर की पावर इज वन, कह रहा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये पी की तो उसने क्वेश्चन में ही वैल्यू दे दी कि पी कितना है, वन। तो ये आ गया L0। M to the power x। आमना यही प्रॉब्लम थी? नहीं, बोथ वेरिएबल आगे यहाँ तक तो कर लिया था। हाँ, यही ये प्रॉब्लम है डायमेंशंस के साथ, चार नहीं आ सकते। तो जब भी चार होंगे तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर देगा। This is L1 to the power 1. अब सॉल्व कर लोगी इसे? सर यहाँ पर कर लिया था, ओके। तो ये तो जीरो हो गया, ये आ गया M to the power x plus z, L to the power minus 3x plus y minus z plus 1, T to the power minus y minus z. सब जीरो है, x प्लस जेड भी जीरो है फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस y माइनस जेड प्लस 1 भी जीरो है दैट सेकंड इक्वेशन, माइनस y माइनस जेड भी जीरो है थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस जेड आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। हाँ सर हो जाएगा। और बताओ मुझे खैस्पिल, तुम्हारे भी डाउट्स हैं? एक डाउट है। हाँ क्वेश्चन बताओ। हेलो। हाँ खैस्पिल बताओ, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन वो नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला गेज कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर होता है ना सर? हाँ। अगर हम ज्यादातर किताबों में ये दिया है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशंस गेज कांस्टेंट के डायमेंशन के सेम ही दिया है। क्योंकि वो एवोगैड्रो नंबर को ना डायमेंशनलेस मान लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर बेसिक क्वांटिटीज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना सर? वन एवोगैड्रो नंबर वन मोल का यूनिवर्स नहीं होगा सर, मोल टू द पावर माइनस वन। हाँ ये दो नोटेशंस हैं, दो तरीके हैं करने के। अगर आप एवोगैड्रो नंबर को मोल मानना चाहते हो ना तो एवोगैड्रो नंबर को वन लिखना पड़ेगा, क्योंकि वन मोल इज इतना, तब वो मोल इनवर्स की टर्म्स में आएगा। हाँ ये दो नोटेशंस हैं, तुम अगर अलग अलग टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे तो बेसिकली इन दो चीजों में जाकर वो डिवाइड हो जाती है। ज्यादातर इसको लिख देते हैं m1 l2 t माइनस 2 k माइनस 1, और लिखते हैं दोनों के लिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए भी और गैस कांस्टेंट के लिए भी। लेकिन तुम क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां से कैलकुलेट करके लाते हैं, e is 3 by 2 kb into t now. हेलो, ज्यादातर मोल टू द पावर माइनस वन इसलिए नहीं लेते क्योंकि एवोगैड्रो नंबर वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, ये हो गया। हाँ, इसलिए उसको मोल इनवर्स ना लिखकर उसे डायरेक्ट लिख देते हैं, सिर्फ इसलिए, कोई रीजन नहीं है। हमेशा ना ये लास्ट के दो से बचते हैं, कैंडेला भी कहीं तुम्हें नहीं दिखेगा, कैंडेला की पावर कभी नहीं दिखेगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मोल का भी नहीं दिखेगा, शुरू की पांच यूज होती हुई दिखते हैं। Okay, thank you, sir. So, yes.
हमने मुझे आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। सर अभी बायो की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है ना? हमने असल में स्टार्ट तो हुई है, मैं आपको भी एक आध दिन में ऐड करूंगा उन बायो की क्लासेस में। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, आपको अब कैसे कंटिन्यू करना है? लाइक आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू करोगे या आप ऑफलाइन जंप करोगे? सर लॉकडाउन के बाद। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी कि ऑर्किड में जो बैचेस बनेंगी वो अगस्त में जाकर बनेंगी, तो आपका सिलेबस बहुत आगे निकल जाएगा, वो बैच दोबारा से शुरू होगी। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम बैचेस अभी नहीं बना रहे हैं 11th की।